हेलो गाइस, सस्ते कराम सलाम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो पे रुके हैं तो बहुत सही जगह रुके हैं। मैं आपको बताऊंगा वेट लॉस एंड फैट लॉस की बेस्ट टिप्स और लोग क्या कॉमन गलतियां करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है एलेक्स और आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोच, और हमारे इस चैनल पे आपको जनरल कंटेंट मिलता है फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक की जो लोग फैट लॉस में करते हैं, कि वो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि वो वेट लॉस या फैट लॉस में हैं, तो उनको वर्कआउट से पहले क्या लेना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पीनट बटर ब्रेड लेके आ जाते हैं, कुछ लोग आधा घंटे या 25-30 मिनट पहले कार्ब इनटेक कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें वर्कआउट कैसे डिजाइन करना है, कैसे प्लान करना है कि लाइक उनको जिससे फैट लॉस हो। ठीक है, वो कुछ भी कर लेते हैं, कभी वेट ट्रेनिंग कर ली, कार्डियो कर ली, क्या रेशियो में करना है, कितना करना है, उनको ये नहीं पता होता। ये बहुत गलतियां करते हैं लोग। तीसरी गलती ये करते हैं लोग कि एक्सरसाइज के बाद जो फैट लॉस वेट लॉस में होते हैं, एक्सरसाइज के बाद उनको क्या लेना है। ठीक है, उन्हें कार्ब लेना है, फैट लेना है, प्रोटीन लेना है, उन्हें क्या लेना है उनको पता नहीं होता। कुछ लोग वर्कआउट के बाद में कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेते हैं, कार्ब इंटेक कर लेते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक ये करते हैं लोग कि उन्हें ये नहीं पता होता कि जब वो वर्कआउट कर रहे हैं तो उन्हें टाइम रेस्ट कितना रखना है। ठीक है, एक वर्कआउट एक एक्सरसाइज के से दूसरे एक्सरसाइज के बीच में कितना रेस्ट रखना है, उनको ये नहीं पता होता। तो गाइस ये कुछ मिस्टेक्स हैं, काफी सारी हैं, पर मैंने तो आपको फोर चार ही गिनाई है। अब मैं बात करता हूं आपके कि आपको जो फैट लॉस वेट लॉस में जो काम आने वाली जो बेस्ट टिप्स में जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं उस पर बात कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहली टिप्स है आपके लिए कि जब आप वर्कआउट से पहले आपको लेना है कैफीन। ठीक है, लोग क्या करते हैं वर्कआउट के पहले पीनट बटर ब्रेड या कार्बोहाइड्रेट या केले वगैरह खा लेते हैं फैट लॉस वेट लॉस में, तो गाइस आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको वर्कआउट से पहले ऐड करना है कैफीन। ठीक है, 2 रुपए का पाउच आता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी आप इसको यूज कर सकते हैं बनाकर, या आप इसमें शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके फैट लॉस में काफी हेल्प करेगी। तो ये पहली आपके लिए टिप्स थी। दूसरी टिप्स आपके लिए ये है कि वर्कआउट के पहले जब आप जिम आते हैं, आप स्ट्रेचिंग वार्म अप करिए, उसके बाद में आपको कार्डियो करना है। यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आपकी हार्ट रेट। गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना आपका ज्यादा आपकी हार्ट रेट हाई रहेगी, उतना ज्यादा आपका बॉडी आपके फैट को उठाएगी एज एनर्जी, जिससे कि आपका फैट लॉस होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी बॉडी सबसे इजी सोर्स को उठा रही है, क्योंकि मैं कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मेरी हार्ट रेट में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा हूँ जिसमें मेरी हार्ट रेट बढ़े, मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो मेरी बॉडी क्या कर रही है, सबसे इजी सोर्स को उठा रही है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करूंगा जिससे मेरी हार्ट रेट बढ़ेगी, तो गाइस मेरी बॉडी उठाएगी फैट को, अगर फैट है तो, अगर मसल है, अगर फैट नहीं है बॉडी में तो मसल को उठाएगी। तो इस तरीके से बॉडी काम करती है गाइस। तो आपको ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें आपकी हार्ट रेट हाई रहे। जैसे कि मैं आपको अगर सजेस्ट करूं कि आप किस तरीके से करें, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जिम के अंदर जैसे आते हैं तो आपको सबसे पहले वार्म अप करने के बाद में सीधे कार्डियो करना है। 25-30 मिनट आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अगर आप नए हैं बिगिनर हैं तो आप 15-20 मिनट करिए। उसके बाद में आपको करना है वेट ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद में वेट ट्रेनिंग के बाद जब आपकी वेट ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद में 10-15 मिनट का रेस्ट लेना है, और फिर आपको करना है क्रॉसफिट करना है। अगर आपके जिम में क्रॉसफिट है तो आप क्रॉसफिट करिए, नहीं है तो फिर 15-20 मिनट आप कार्डियो करिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको काफी अच्छा वेट लॉस या फैट लॉस देखने को मिलेगा गाइस। फिर अगली टिप्स मेरे लिए आपके लिए ये है मेरी कि आप वर्कआउट के बाद क्या लें। लोग गलती ये करते हैं वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेते हैं फैट लॉस में। गाइस ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको वर्कआउट के बाद प्रोटीन डाइट लेनी है, वर्कआउट के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं करना है, आपको प्रोटीन लेना है। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्कआउट के बाद हम वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं क्या लाइक वेट लॉस फैट लॉस में, तो गाइस यस, मेरी अगली टिप्स यही होने वाली है। गाइस जितना अच्छा आपका मसल मास होगा उतना अच्छा आपका फैट लॉस होगा, इसीलिए प्रोटीन पे खास फोकस करिए, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रोटीन लेंगे, जितना अच्छा मसल मास रहेगा, उतना अच्छा आपका वेट लॉस या फैट लॉस होगा। तो प्रोटीन इंटेक को भी हाई रखना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये कुछ टिप्स थी आपके लिए फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए। तो कहते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल को हिट कर दे, इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो सब अपने आप तक पहुंचेगा। गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझसे जो भी आपके फिटनेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वेट लॉस करने में, वेट लॉस फैट लॉस करने में या मसल गेन करने में, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।